दोस्तों, आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ट्वेल्थ फेल और वरुण ग्रोवर की फिल्म ऑल इंडिया रैंक, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर फिर भी जब हम सुनते हैं कि लापता लेडीज फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर एनिमल जैसी बिग बजट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ट्वेल्थ फेल का कलेक्शन कुछ बड़े स्टार कास्ट वाली बड़ी फिल्मों से ज्यादा है, तो ऐसा महसूस होता है कि भारत में लोगों की फिल्म देखने की च्वाइस बदल रही है। भारत में ओवर द टॉप एक्शन, बेतुका रोमांस, फालतू कहानियां और इलॉजिकल डायलॉग्स पर सीटियां बजाने वाले लोग अब धीरे धीरे वो फिल्में पसंद करने लगे हैं जिनमें मिडिल क्लास की कहानियां हो, सिंपल सेट्स हो, अच्छे डायलॉग्स और कहानी को सूट करने वाला रोमांस हो। मगर ये सब कुछ अचानक से शुरू नहीं हुआ है और ना ही भारत में इस बदलाव की शुरुआत बड़े पर्दे से हुई थी। ये कहानी एक बिहारी लड़के से शुरू होती है जिसे 80s के एक्शन पैड दौर में भी दूरदर्शन के धारावाहिक ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। एक बैंक क्लर्क का बेटा जिसने बड़े पर्दे पर कुछ अच्छा करने का सपना देखा था, फिर उसने टेलीविजन शोज बनाने का प्रयास किया और जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो उसके हाथों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसके बारे में उस समय भारत में बहुत ही कम लोग जानते थे और उस प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे कमाने का, फेमस होने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। आज अगर भारत में यूट्यूब पर हर मिनट में सैकड़ों वीडियोस अपलोड होते हैं, हर दूसरे दिन नए नए इंडिविजुअल क्रिएटर देखने को मिलते हैं, लोग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छी फिल्में और शोज बनाने की हिम्मत होती है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान अरुणाभ कुमार का है। अरुणाभ कुमार 25 नवंबर साल 1982 के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बैंक में क्लर्क का काम करने वाले के घर पैदा हुए थे। भारत में यह समय था जब छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों के सभी घरों में टेलीविजन सेट नहीं हुआ करते थे। अरुणा कुमार भी जब 10 साल के हुए तब तक उनके घर में टेलीविजन नहीं था, तो उन्हें दूसरों के घर जाना पड़ता था और ऊपर से जब पूरे देश के ज्यादातर लोग एक्शन पैड फिल्में देखना पसंद करते थे तब अरुणाभ को दूरदर्शन की दुनिया ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। अरुणाभ कुमार अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि टेलीविजन पर रघुवीर यादव को एक्टिंग करते हुए देखकर उन्हें यादव जी के काम से प्यार हो गया। अरुणाभ ने रघुवीर यादव को मुल्ला नसरुद्दीन नाम के शो में काम करते हुए देखा था। अरुणाभ ने दूरदर्शन पर गिरीश कर्नाड का द टर्निंग पॉइंट शो देखा था जो साइंस बेस्ड शो था। और ये बहुत अजीब बात है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को पसंद करने वाली जनरेशन में अरुणाभ कुमार को ऐसे लोग पसंद आ रहे थे जिनको जनरली उस समय कोई भी पसंद नहीं करता था। अरुणाभ शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। इनके पिताजी इन्हें एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते थे और अरुणाभ को भी उस समय पढ़ाई के रास्ते चलकर के ही कुछ करने का मन था। फिल्में बनाने का कीड़ा अभी पूरी तरह से उन पर प्रभावी नहीं हुआ था। अरुणाभ कुमार ने जेईई का एग्जाम दिया लेकिन क्रैक नहीं कर पाए और फिर अरुणाभ ने आईआईटी के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। पिताजी ने तैयारी करने के लिए इन्हें कोटा भेज दिया और अरुणाभ खुद भी अच्छे स्टूडेंट थे तो उनका सिलेक्शन भी इस बार हो गया। अरुणाभ कुमार आईआईटी खड़गपुर पहुंच गए और यहां करके उन्हें पता चला कि पढ़ाई की दुनिया और इंजीनियरिंग का रास्ता उतना आसान और इंटरटेनिंग नहीं है जितना उन्होंने सोच रखा था। बताया जाता है कि अरुणाभ पहले साल 7 विषयों में फेल हो गए क्योंकि इस दौरान उन्होंने अभिनय और फिल्म मेकिंग में काम करना भी शुरू कर दिया था। जिस साल वो 7 विषयों में फेल हुए थे उस साल अरुणाभ को अपने अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला था। अरुणाभ ने इसी दौरान वेयर इज माई माइंड के नाम से 14 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी और हॉलीवुड सोच का एक्सपोजर भी उन्हें मिल रहा था। और यही सब देखते सुनते और करते हुए उन्होंने अपना आईआईटी क्लियर करके सोच लिया कि इनको फिल्म मेकिंग में ही अपना करियर बनाना है। आईआईटी के बाद साल 2006 में अरुणाभ को 6 महीने के लिए रिसर्च असिस्टेंट का काम मिल गया था। यूएस एयरफोर्स के लिए उन्हें काम करना था। फिर उसके बाद अपने एक प्रोजेक्ट के लिए अरुणाभ मुंबई आ गए और आसपास के लोगों से बातचीत करना और पहचान बढ़ाना शुरू कर दिया। अरुणाभ अब पूरी तरह से अपने दिल को फॉलो करना चाहते थे इसलिए सब कुछ छोड़ करके मुंबई में अलग अलग प्रोडक्शन हाउस और लोगों के घरों में आना जाना शुरू कर दिया। उनके पास अपना कुछ काम था तो उसे लेकर के दिन रात आना जाना शुरू हो गया। साल 2007 में आखिरकार अनुराग को फराह खान के डायरेक्शन और शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ओम शांति ओम में काम करने का मौका मिल गया। फराह खान ने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम देते हुए कहा था कि उन्हें सेट पर हर छोटा बड़ा काम करना पड़ेगा। अनुराग कुमार को सब कुछ सीखना था और पैसे भी चाहिए थे तो उन्होंने सामान लाने ले जाने से लेकर के हर छोटा बड़ा काम किया। राजू बताते हैं कि शाहरुख खान और फराह खान के साथ एक साल तक उस सेट पर काम करना उनके लिए एक इंटर्नशिप की तरह का एक्सपीरियंस था। अरुणाभ बताते कि उन्होंने फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जितना भी कुछ सीखा है वो उसी सेट पर रहते हुए सीखा था। ओम शांति ओम में करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और फराह खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस लेकर के निकले अरुणा कुमार के पास अभी कोई जुगाड़ नहीं था जिसे अपना खर्चा निकाल सकते थे। उन्होंने टेलीविजन की तरफ जाने का मन बनाया और इंजीनियरिंग डायरी नाम से एक शो लिखा। इसके लिए अनुराग ने उस समय एमटीवी से कनेक्ट किया था। कुछ समय तक सोच विचार चला और आखिर में उनका शो रिजेक्ट हो गया। अरुणाभ कुमार को एक म्यूजिक वीडियो के लिए 70,000 रुपए का एक काम आखिरकार मिल गया। काम किया और पैसे भी मिले लेकिन कुछ ही दिनों में पैसे खत्म हो गए। अरुणाभ हर छोटी बड़ी चीज पर पैसे उड़ा दिया करते थे। एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए गए तो वहाँ क्राउड हैंडलिंग का काम मिल गया। न्यू ईयर का टाइम था और रेस्टोरेंट में मालिक को हेल्पिंग हैंड चाहिए था और इसलिए अरुणाभ को यहाँ से 25,000 रुपए मिल गए। फिर इसी रेस्टोरेंट में कुछ बिल्डर्स ने अरुणाभ को कॉन्ट्रक्शन साइट का वीडियो बनाने के लिए हायर कर लिया। अरुणाभ को यह काम बहुत पसंद आया। उनको थोड़ी देर के काम के लिए अच्छे खासे रुपए मिल गए तो उन्होंने इस काम को पर्सनलाइज कर लिया था और आगे कुछ समय के लिए अलग अलग लोगों के लिए वीडियो बनाने का काम करते रहे। छोटे मोटे और फेक ब्रांड्स के एड्स भी तैयार की तो इस तरह से अरुणाभ का खर्चा
किसी तरह से चल रहा था। साल 2011 के आखिर तक अरुणाभ ने ये काम किया और फिर कुछ पैसे बचा करके इंजीनियरिंग डायरी पर फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। भारत में यूट्यूब उस समय बूम कर रहा था और अरुणाभ ने भी ये महसूस किया था कि मुंबई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है और वो कुछ न कुछ काम ढूंढ रहे हैं। अरुणाभ कुमार ने इंजीनियरिंग डायरी का पायलट पार्ट तैयार भी कर लिया था और धीरे धीरे अपने कॉलेज फ्रेंड्स, स्टेज पार्टनर और बाकी छोटे बड़े एक्टर्स और टेक्निक जो कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसे लोग उन्हें मिल गए थे। वसंत बाला और अमित मसूरकर अरुणाभ कुमार के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे कुछ लोगों के साथ मिलकर के अरुणाभ ने कॉलेज क्यूटियापा नाम से एक शो बनाया जिसमें FTII के कुछ टेक्नीशियन ने भी काम किया था। पिक्चर्स डायरेक्ट करने वाले अमित गोलानी उस समय बैंक में नौकरी कर रहे थे, वो भी अरुणाभ के साथ मिल गए और अरुणाभ को 5 कॉर्पोरेट फिल्म के लिए 2.5 लाख रुपए मिल गए थे। अरुणाभ कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास पैसे थे, उनकी अपनी टीम थी और भारत में यूट्यूब को लोग अच्छी तरह से देखने पहचानने लग गए थे, तो उन्होंने इनग्लोरियस बास्टर्ड का एक स्पूफ इनग्लोरियस सीनियर नाम से तैयार किया और ये पहला कंटेंट था जो अरुणाभ ने यूट्यूब पर अपलोड किया था। कॉर्पोरेट एबीज तैयार करने के बाद जो पैसे बच जाते थे उससे अरुणाभ ने TBF नाम परचेज किया और TBF पर पहला कुछ काम भी इसी पैसे के जरिए हुआ था। मई जून 2011 में ये सब कुछ चल रहा था और फिर जब अपने पहले वीडियो पर 2 दिनों में उस समय 17,000 व्यूज आ गए तो अरुणाभ कुमार ने यूट्यूब के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड शो डिजाइन करने का फैसला किया और उस समय रोडीज की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी और लोग इस शो को हेट भी करते थे। अरुणाभ ने शो पर एक स्पूफ तैयार करना शुरू कर दिया। IIT खड़गपुर से अरुणाभ के एक जूनियर विश्वपति सरकार ने TBF की टीम को ज्वाइन किया और इसकी पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करने का काम किया, जिसके बाद कॉमेडियन विपुल गोयल ने कुछ जोक्स ऐड किए और फिर 21 फरवरी 2012 के दिन भारत में पूरी तरह से यूट्यूब के लिए बनाया गया पहला वायरल वीडियो अपलोड हुआ और यहां से भारत में यूट्यूब को लेकर के लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होने लगे। इस वीडियो ने समय 5वें दिन 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे, जब भारत में ओरिजिनल कंटेंट बनाने का रिवाज शुरू भी नहीं हुआ था। सब लोग कैचअप कंटेंट और कुछ भी कहीं से जोड़ तोड़ करके तैयार कर रहे थे। इस तरह TBF के इस वीडियो से भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। भारत में YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार कोई चैनल सीरियसली YouTube के लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा था तो TBF को उस समय YouTube ने काफी पुश दिया था। अक्टूबर 2012 में गाना वाला सॉन्ग नाम से एक और स्पूफ तैयार हुआ और उसे अपलोड किया गया। कुछ महीने बाद गैंग्स ऑफ सोशल मीडिया भी अपलोड हुआ और ये सब कुछ लोगों ने काफी पसंद किया, मगर अब भी सब कुछ सही हो गया था ऐसा भी नहीं था। YouTube के जरिए पैसे कमाना उसमें आज के जितना आसान नहीं था। अरुणाभ के पास गाना वाला सॉन्ग की सक्सेस के बाद भी अपनी टीम को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। अपने दोस्तों से फिर से रात को अरुणाभ ने 65,000 रुपए का जुगाड़ किया। अरुणाभ के कुछ दोस्त बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे, अमेरिका में कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोगों ने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर लिए थे और यहाँ आकर के अरुणाभ को साल 2013 के आसपास डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें फ्यूचर है भी या नहीं। साल 2011 में अरुणाभ ने एक पेज की कहानी लिखी थी और सब कुछ अरुणाभ ने अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस, स्टार्ट इकोसिस्टम पर बात करते हुए और भारत में फ्लिपकार्ट की शुरुआत को लेकर के जो कुछ भी बातें उस समय चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए बनाई थी। जो समय तो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, लेकिन साल 2014 में विश्वपति सरकार ने इस कहानी को पूरा किया। TBF ने किंगफिशर के साथ 15-20 लाख रुपए में 5 एपिसोड तैयार करने के लिए एक डील को साइन किया और फिर उस कहानी पर काम शुरू हुआ और इस तरह जो शो बनकर के तैयार हुआ वो पिक्चर्स था। पिक्चर्स यूट्यूब पर भारत की पहली वेब सीरीज बनने के लिए तैयार थी और काम भी पूरा हो गया था, मगर बीच में गौरव मुंजाल ने परमानेंट रूममेट के लिए अरुणाभ को कन्विंस कर लिया और ये कंटेंट पिक्चर्स से पहले अपलोड हुआ जो भारत में बनी पहली वेब सीरीज बताई जाती है। इस तरह TBF के जरिए भारत में वेब सीरीज का चलन भी शुरू हो गया था, जिसमें पिक्चर्स के हिट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था और आज हर नए OTT और YouTube चैनल पर लोग अपनी सीरीज बना रहे हैं। ये भारत की डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी काम हो रहा था। यहाँ से फिर सब कुछ सही होना शुरू हो गया। अरुणाभ ने अपने पसंदीदा अभिनेताओं के साथ काम करना शुरू किया, जिन्हें पर्दे पर देखते हुए अरुणाभ बड़े हुए थे उनके साथ अब वो काम कर रहे थे। शाहरुख खान ने उनके साथ एक शो के लिए कोलैबोरेशन किया था। पिक्चर्स बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, लोगों ने TBF के बारे में, उसकी कहानियों के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था और अब धीरे धीरे अरुणाभ ने जो चैनल स्पूफ वीडियोस बना करके शुरू किया था उस पर अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर कहानियां बनने लगी थी। अरुणाभ ने अपने IIT एक्सपीरियंस को कोटा फैक्ट्रीज के जरिए बताया। UPSC एग्जाम पर TBF ने सबसे पहले अपनी कहानियों के जरिए बात करना शुरू किया था। कॉलेज लाइफ को जितने सही और सिंपल तरीके से TBF ने प्रेजेंट किया था, ये काम उस समय तक कोई नहीं कर पाया था और यही कारण है कि लोग करण जौहर की बेतुकी कॉलेज लाइफ स्टोरीज को छोड़ करके अब TBF को पसंद कर रहे थे। उनकी पहली वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स 2014 में शुरू हुई थी। जून 2015 में यह दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई थी। IMDb पर आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज की लिस्ट में भारत की तरफ से TBF की कुछ सीरीज ही शामिल है। भारत की 10 सबसे बड़ी वेब सीरीज में से आज TBF की 8 सीरीज को गिना जाता है। साल 2016 में TBF को अपनी पहली फंडिंग $10 लाख टाइगर ग्रुप की तरफ से हासिल हुई थी, जिसके बाद पंचायत और एस ब्रांड जैसे बेहतरीन शोज भी तैयार हुए। पिक्चर्स का नया सीजन भी आया और धीरे धीरे TBF एक ग्लोबल ब्रांड बन गया था। TBF ने अभी तक लगभग 150 बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है, जिसमें ओला, फ्लिपकार्ट, वोडाफोन और एक्ज़ोमी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जीतू भैया, सरपंच,
संदीप भैया, अभिलाष कुमार, अभिषेक त्रिपाठी और विनोद जैसे कैरेक्टर अब भारत में मीम कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। टीवी पर लोगों के सामने कुछ ऐसे लोग, ऐसे माहौल, सरकमटेंस और डायलॉग रखने में मास्टर हो गया है जिसमें भारत में हर तबके के लोग रिलेट कर सकते हैं। टीवीएफ ने मिडिल क्लास फैमिलीज, गांव देहात और शहरों को भी लॉजिकल वेज में दिखाया है। टीवीएफ शोज में हर कैरेक्टर की अपनी कहानी और अपनी जगह होती है। शोज में ज्यादा लोग हों या कम, लेकिन कोई भी ऐसा ही सिर्फ होने के लिए नहीं होता है, उसका अपना एक प्रॉपर प्लॉट होता है। ये कुछ बातें जो टीवीएफ ने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है, लेकिन भारतीय फिल्मों में अब ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। और जब कुछ फिल्मों में ये सब देखने को मिल रहा है तो उनको जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसको समझा जा सकता है कि टीवीएफ ने कितनी जल्दी अपनी ऑडियंस को समझ लिया था। और बॉलीवुड इस मामले में एक यूट्यूब चैनल से कितना बाद में ये सब कुछ समझ पाया है। टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर आज 12.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। मेन चैनल के अलावा यूट्यूब पर टीवीएफ के 4-5 चैनल्स और भी रन कर रहे हैं। टीवीएफ ने कुछ समय पहले अपना ऐप भी लॉन्च किया था और अब टीवीएफ के साथ मिलकर के नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम भी काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इस चैनल ने अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी रूट्स, अपने कंटेंट की थीम को बरकरार रखा हुआ है। आज भी अगर आप टीवीएफ का पुराना से पुराना शो लेकर के बैठ जाते हैं तो उसमें भी कुछ नई बातें मिल जाती हैं। वो उतना ही अच्छा लगता है जितना पहली बार देखने में लगा था। मार्च 2017 में अरुणाब कुमार पर यौन उत्पीड़न के दावे का आरोप सामने आया। मीटू के जरिए कुछ महिलाओं ने अरुणाब पर ये आरोप लगाए थे और मुंबई उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। इसके बाद 16 जून 2017 को अरुणाब ने टीवीएफ के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। धवल गुसाई अब CEO के रूप में कंपनी को संभाल रहे हैं। करण चौधरी CEO हैं और परमानेंट रूममेट्स और ट्रिपलिंग को बनाने वाले समीर सक्सेना CCO हैं। अच्छी कहानियां, बेहतरीन टीम वर्क, एक शानदार वर्क कल्चर और एथिक्स के साथ साथ वो सब कुछ जो हम पढ़ते सुनते हैं कि अच्छी फिल्में बनाने के लिए ये सब जरूरी होता है, वो सब कुछ टीवीएफ की कहानी को जान करके पता चलता है कि कितना कारगर साबित हो सकते हैं। आज टीवीएफ की वैल्यूएशन $82 मिलियन है। सुमित व्यास, मानवी, नवीन कस्तूरिया, जितेंद्र कुमार, अमोल पराशर और सनी हिंदुजा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आज एक यूट्यूब चैनल पर अपने शानदार काम की वजह से, उस चैनल के शोज की वजह से, बेहतरीन कैरेक्टर्स की वजह से भारत में हर कोई जानता है। उनमें से कई लोग अब बॉलीवुड तक भी पहुंच चुके हैं। अरुणा कुमार अभी टीवीएफ के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी टीवीएफ के जरिए हमें कुछ न कुछ बेहतर दिखाते रहेंगे। ये टीम अपने लोगों को निराश कभी नहीं करेगी, इतना विश्वास तो अब पक्का हो गया है। तो देखते हैं आगे इस पिटारे में हमें क्या कुछ मिलता है और कितनी दूर तक ये सफर चलता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।